नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। वोटिंग में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में प्रत्याशियों के पास अब आखिरी हथकंडे अपनाने का समय आ गया है। अगर ये जनसंपर्क होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि सोचने पर मजबूर होना पड़ जाए। कोई कहेगा नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि चुनावों में सबसे ज्यादा शराब बिकती है। अब खपत कहाँ होती है ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। सबको पता है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सरकारें बैठे बिठाए पलट जाती हैं। एक बड़े लालच में शराब का नाम भी आता है। शहर की आबादी कुछ कम इसमें हो भी जाए, लेकिन गांवों में एक बड़ा हिस्सा आज भी इस लालच के फेर में उलझ ही जाता है। अब ऐसा किसने किया नहीं किया, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के चनावदा ग्राम पंचायत के गोडफला में विधानसभा चुनाव के बीच ग्रामीणों को शराब बांटने का मामला सामने आया है। इसी विधानसभा से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अमित खराड़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा द्वारा ये शराब वितरित किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत गिरवा SDM प्रतिभा वर्मा को की। SDM के निर्देश पर निर्वाचन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर रवाना भी हुई। मौके पर टीम को खाली शराब की बोतलें और शराब के कार्टन भी पड़े मिले। निर्वाचन विभाग की टीम ने मौके की वीडियोग्राफी करवाई और लोगों के बयान लिए और इसके बाद लिखित रिपोर्ट तैयार करके रवाना हो गई। वहीं मामले में जब कांग्रेस प्रत्याशी कटारा से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरी फोटो लगी टी शर्ट पहनकर जो लोग शराब दे रहे हैं वो भारतीय आदिवासी पार्टी के ही हैं। मेरा कोई कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। घटना एक दिन पहले की है जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ ग्रामीण नजर आते हैं जिन्हें शराब वितरित की जा रही है। वितरण के दौरान आदिवासी पार्टी प्रत्याशी के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं और शराब बांटने का विरोध जताने लगते हैं। वीडियो में एक व्यक्ति ये भी बोलते हुए दिखता है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चुनाव में दारू नहीं बांट सकते, तो क्यों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। वीडियो में कुछ लोग उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी के फोटो लगी हुई टी शर्ट पहने खड़े हैं। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी भेरूलाल खराड़ी ने बताया कि हम लोगों ने शराब बांटने पर आपत्ति की तो वे लोग धीरे धीरे इधर उधर भाग निकले। निर्वाचन विभाग की टीम आने तक सब फरार हो चुके थे। जांच और कार्रवाई के बीच यहां बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग इसका कोई तोड़ अभी तक क्यों नहीं निकाल पाया है। इस बड़ी समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में क्यों नहीं सोच पाया है। आज का दिन और है और कहते हैं कि सारे खेल इन 48 घंटों में ही बिठाए जाते हैं। रातों रात सब कुछ बदल जाता है। पैतरा नया नहीं है, लेकिन काम आज भी कर रहा है। दुखद बात है ये, इतना जागरूक करने के बाद भी दारू की एक बोतल में वोट बिक जाता है। कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा बिका हुआ वोट क्या ही विकास करवा सकता है, क्या ही भविष्य निर्माण कर सकता है। फिर जनता को भी क्या ही उम्मीद करनी चाहिए विकास की, बदलाव की, और फिर कहते हो कि विकास नहीं हो रहा। आपको अधिकार होगा क्योंकि आपने तो अपना वोट बेच दिया होगा ना, और जो बिक जाते हैं ना वो सवाल नहीं पूछा करते। सोचिए और अपने मत का प्रयोग जरूर करिए, सोच समझ कर करिए और किसी के प्रभाव या दबाव में आए बिना करिए।